एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 में पवनदीप और अरुणिता की जोड़ी अब अलग होने की कगार पर है, क्योंकि आ गया है इंडियन आइडल का फिनाले। फिनाले का प्रेशर पवनदीप और अरुणिता दोनों पर हद से ज़्यादा है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों टॉप टू में पहुंचेंगे और टॉप टू में पहुंचने के बाद दोनों के बीच की जंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। यही वजह है कि पवनदीप ने अरुणिता के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अरुणिता की टेंशन रिलीज हो सके। अरुणिता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर पवनदीप और उनके बीच में फाइट होगी, उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती में इसकी वजह से दरार आ सकती है। हो सकता है दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए खटास आए, क्योंकि जीतेगा तो कोई एक ही, और ऐसे में दूसरे को बुरा लग सकता है। और ये बात पवनदीप भाप चुके हैं कि अरुणिता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो इस ट्रॉफी की वजह से, इस फिनाले की वजह से अरुदीप के रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती हैं, और यही वजह है कि पवनदीप ने एक बहुत खास काम करा अरुणिता को अच्छा महसूस करवाने के लिए। जी हाँ, पवनदीप ने अरुणिता के रूम के बाहर वाले हिस्से को गुलाब की फूलों से सजा दिया और दीवारों पर रेड कलर के बलून्स टांग दिए, और उसके बाद अरुणिता के रूम का दरवाज़ा खटखटाया। जब अरुणिता बाहर आई तो पवनदीप ने बोला सरप्राइज, और खुशी से नाच उठी अरुणिता। अरुणिता ने पूछा ये क्या, तो पवनदीप ने बोला अपनी खास दोस्त के लिए सबसे खास तोहफा। दोस्तों, साफ हो चुका है कि पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे को बहुत खास मानते हैं और एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। यही वजह है कि पवनदीप लगातार फिनाले से पहले अरुणिता को कूल डाउन और टेंशन फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के लिए ही जीत इतने मायने नहीं रखती, क्योंकि इन दोनों का यही मानना है कि चाहे अरुणिता जीते चाहे पवनदीप, बात तो एक ही है। क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।